भारत के सोलर पैनल निर्माण के क्षेत्र में जाने माने नाम गौतम सोलर ने मौसम की चरम परिस्थितियों के कारण होने वाली चुनौतियों को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान कंपनी ने सोलर पावर प्लांट के परफॉर्मेंस पर 2024 भारतीय हीट वेव के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक व्हाइट पेपर का लॉन्च किया। इस व्हाइट पेपर में उच्च तापमान वाले वातावरण में अनुकूल सोलर पावर के उत्पादन को बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। तकनीकी व्हाइट पेपर का विषय था एनहांसिंग पावर जनरेशन एंड CUF ऑफ सोलर पावर प्लांट अमिट हाई टेम्परेचर स्ट्रेटजीज फॉर 2024 इंडिया हीट वेव, यानी उच्च तापमान के बीच सोलर पावर प्लांट के CUF और पावर उत्पादन को बढ़ाना 2024 के भारतीय हीट वेव के लिए रणनीतियां। इस विषय ने 2024 के दौरान भारतीय हीट वेव के घातक प्रभावों पर रोशनी डाली, जिसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण हजारों मौतें हो चुकी है। इतना ही नहीं, यह ऊंचा तापमान सोलर पैनल के परफॉर्मेंस पर भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। आज हमने व्हाइट पेपर लॉन्च करा है, जिसके माध्यम से लोगों को जो सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहे हैं उसको हम लोगों ने रिवील करा, उसके बारे में लोगों को अवेयर करा। साथ ही साथ जो है ना, इस व्हाइट पेपर के माध्यम से लोगों को जो कैसे, अगर पावर प्लांट के लिए कोई देख रहे हैं तो कैसे, मतलब अपनी CUF को कैसे मेंटेन कर सकता है, आज उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोगों ने दिया। और इसके बारे में बताया कि अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हीट इंक्रीज़ होती है तो आप कैसे अपने पैनल पावर प्लांट को सपोर्ट कर सकते हैं, कि क्योंकि हीट के कारण वर्ष आपका जो पावर प्लांट है वो डिग्रेड जल्दी होता है और लेस जनरेशन देता है, तो उससे कैसे आप अपने पावर प्लांट को प्रिवेंट कर सकते हैं ज़्यादा हीट कारण। इंदौर के लिए स्ट्रैटेजी ये होगी, आपका जो सेटअप है आप उस हिसाब से कीजिए कि मतलब उसमें एयर फ्लो ज़्यादा हो, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा हीट ना बने, उसमें एयर फ्लो होता रहे तो उस वजह से हीट कम होएंगे। और दूसरा, जो सैंड एंड डस्ट के पार्टिकल्स पैनल्स पर जम जाते हैं उसके कारण भी हीट इंक्रीज हो जाती है, तो आप उसे क्लीन कीजिए, जिससे आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे ज़्यादा पावर जनरेट करने के। इस प्रेस वार्ता में गौतम सोलर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज़ इंदौर।